हेलो, नमस्ते। आज हम चलते हैं पेंगोंग लेक। हम चल रहे थे, अचानक से हमारे ड्राइवर ने कार रोकी और कहा, वो देखिए सर। और हमने देखा एक क्यूट प्यारा सा एनिमल, मरमट, लार्ज ग्राउंड स्क्विरल, एक्टिव ड्यूरिंग समर्स, ग्रुप्स में रहता है, 2 से 11 किलो वेट होता है इसका और ऊंचाई लगभग 17 से 28 इंच होती है। ये सारी विंटर्स ग्राउंड में 30 फीट नीचे हाइबरनेट करता है, पर इसको देखकर जो मज़ा आया, ऐसे हाथ पे चढ़ रहा था कि जैसे आप इसे कुछ खिलाना चाहेंगे, लेकिन हमें कहा गया कि इसको कुछ नहीं खिलाना यहाँ पर, फिर इसको आदत हो जाएगी और जब टूरिस्ट यहाँ नहीं आएगा तो ये अपना खाना खुद भी नहीं ढूंढेगा। रास्ते में नीला आकाश, कहीं धूप, कहीं छांव, कहीं पहाड़ों पर बर्फ पड़ी और रास्ता ऐसा, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। और हम पहुंचे पेंगोंग लेक। ऐसा लगा कि मंत्रमुग्ध सा हो गए हम। आज देखकर लगा प्रकृति ने क्या अपनी रचनाएं, अपनी छटाएं बिखेरी हैं, और मेरे पास इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं शब्दों में इनकी खूबसूरती को बयां कर सकूं। फिर भी कोशिश करके देखूंगी। ऊपर आसमान को देखिए, कहीं गहरा नीला, कहीं और गहरा नीला, फिर हल्का, फिर और हल्का। वैसे ही झील का पानी कहीं मोर पंखी जैसा उस रंग को लिए हुए, कहीं थोड़ा सा और डिफरेंट कलर के नीले रंग में, फिर हल्का, फिर किनारों तक आते हुए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि पानी में छोटे छोटे पत्थर भी नज़र आते हैं। यहाँ हमने देखा करीना का 3 इडियट्स वाला स्कूटर, अरे याद नहीं आपको, जिसमें वो दुल्हन के कपड़ों में आती है और वो सीट्स, ये उन्होंने फोटोग्राफी का पॉइंट बना रखा है कि आप आइए और यहाँ अपनी अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवाइए और याददाश्त के लिए लेकर जाइए, अपनी यादों में बसाइए। यहाँ 2 पॉइंट्स हैं। जब हम पेंगोंग लेक पहुँचे तो हमें किसी ने कहा था कि लोग आगे ही रुक जाते हैं, पीछे ज़रूर जाइएगा, वहाँ फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आती हैं, लोग कम होते हैं। तो हम दोनों पॉइंट्स पर गए। आपको बीच में लग रहा होगा सामने जब देखेंगे कि यहाँ पर लेक ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। लेक तो बहुत ही लंबी, 134 किलोमीटर, और वो आगे चीन की तरफ चली जाती है। ये 13,862 फीट ऑल्टीट्यूड पर 134 किलोमीटर लंबी, 40% लद्दाख में है इसका हिस्सा, 50% तिब्बत में है जो कि चाइना का हिस्सा है, रिमेनिंग 10% इज डिस्प्यूटेड। हमने दोपहर यहीं बिताई, फिर हम वापस चले। पेंगोंग से आते हुए हम चांगला पास रुके, जो 17,688 फीट ऑल्टीट्यूड पर है और 3rd मोटरेबल हाईएस्ट पास है। इसकी देखरेख इंडियन आर्मी करती है। यहाँ पर चांगला बाबा स्थल है। चांगला बाबा कौन थे, ये मिस्ट्री सी है। लोग कहते हैं कि वो एक साधु थे और उन्होंने यहाँ की गुफाओं में बहुत साल तपस्या करने पर ज्ञान की प्राप्ति की थी।
तभी से इस जगह को चांगला पास कह दिया जाता है। और ये चांगला बाबा स्थल सेंचुरी ओल्ड है। तेज चलती हुई हवाएं, लेकिन चमकते हुए सूरज के कारण इन हवाओं को सहा जा रहा था। नेक्स्ट एपिसोड साइट सीइंग इन लेह। मिलते हैं फिर जुलाई।